काशीराम को लेकर सपा बसपा में छिड़ी जंग। मायावती ने ट्वीट कर सपा पर कसा तंज। मिले मुलायम काशीराम, दशकों पुराना नारा स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दोहराया। दुश्मन नारा गूंजा था, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। अब अखिलेश यादव के बयानों पर पार्टी प्रमुख मायावती ने पलटवार किया है। सपा प्रमुख ने दावा किया था, इस बार बहुजन समाज को भरोसा है कि समाजवादी सबको जोड़कर बीजेपी का मुकाबला करेगी। अपने हक सम्मान अधिकार के लिए बहुजन समाज समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट हो रहा है। अब मायावती ने इसका जवाब दिया है, लेकिन उससे पहले आप सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान खुद ही सुन लीजिए। मानवर कांशीराम जी की प्रतिमा का अनर्थ हुआ है, ताजी और मुलायम सिंह यादव और कांशीराम जी का गठबंधन हुआ था, दुश्मन नारा गूंजा था, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए। मिले मुलायम कांशीराम, मिले मुलायम कांशीराम, ये नारा गूंजा था। और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था। तो सुना आपने, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोलते नजर आए। इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती भी ट्वीट के जरिए सपा को जवाब देती नजर आई। उन्होंने एक के बाद एक तीन ट्वीट किए, आइए आपको दिखाते हैं। पहला ट्वीट, सपा प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। वास्तव में यूपी के विकास व जनहित के बजाय जातिवादी द्वेष एवं अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है। दूसरा ट्वीट सुनिए, बीएसपी चीफ ने कहा, और यह हकीकत लोगों के सामने बराबर आती रही है कि सन 1993 में माननीय श्री काशीराम जी ने सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बनाई थी, किंतु श्री मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का सीएम बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने व दलित उत्पीड़न को जारी रखने की रही। अब तीसरा ट्वीट सुनिए, उन्होंने आगे कहा, इसी क्रम में उस दौरान अयोध्या श्री राम मंदिर व अपर कास्ट समाज आदि से संबंधित जित नारों को प्रचारित किया गया था वे बीएसपी को बदनाम करने की सपा की शरारत व सोची समझी साजिश थी। अतः सपा की ऐसी हरकतों से खासकर दलितों, अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज को सावधान रहने की सख्त जरूरत है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और माननीय काशीराम के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम बहुजन समाज में सेंध लगाने नहीं बहुजन समाज को बांधने आए हैं। अब देखना होगा 2024 से पहले सपा बसपा के बीच काशीराम को छिड़ी जंग में किसे फायदा हो और किसे नुकसान, ये तो वक्त ही बताएगा। आप भी जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।